हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग एक्सचेंज सर्वर की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सचेंज सर्वर को कब कब मार्केट में इंट्रोड्यूस किया और उनके फीचर्स क्या क्या थे। देखिए दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर इज अ मेल सर्वर एंड क्लाइंटिंग सर्वर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर प्रोवाइड्स ईमेल, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट, टास्क टू क्लाइंट साइड। तो एक्सचेंज सर्वर जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया था, जो कि हम लोगों को ईमेल, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट, टास्क प्रोवाइड करता है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सचेंज सर्वर की हिस्ट्री को। देखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने मार्च 1996 में फर्स्ट एक्सचेंज सर्वर इंट्रोड्यूस किया गया। दैट वाज एक्सचेंज सर्वर 4.0। इसके बाद 1997 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सचेंज सर्वर 4.0 को अपग्रेड किया और मार्केट में इंट्रोड्यूस किया एक्सचेंज सर्वर 5.0। और ये उसके कुछ फीचर्स है, इन्हें आप आराम से रीड कर सकते हो यहां पर कि किस एक्सचेंज सर्वर के अंदर कौन कौन से नए फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सचेंज सर्वर 5.0 को भी अपग्रेड किया और मार्केट में इंट्रोड्यूस किया एक्सचेंज सर्वर 5.5। और दोस्तों, एक्सचेंज सर्वर 5.5 जो है पहली बार दो एडिशन में मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया। दैट वाज स्टैंडर्ड एडिशन और एंटरप्राइज एडिशन, जो कि पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए थे एक्सचेंज सर्वर 5.5 में। और दोस्तों, आज तक भी चाहे वो एक्सचेंज सर्वर 2013 है, 16 है, दो ही एडिशन एज इट इज रनिंग कंडीशन में है, स्टैंडर्ड एडिशन एंड एंटरप्राइज एडिशन। सेकंड थिंग, देखिए स्टैंडर्ड एडिशन जो एक्सचेंज सर्वर 5.5 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें हर एक डेटाबेस की जो लिमिटेशन थी वो 16 GB थी पर डेटाबेस साइज, और एंटरप्राइज एडिशन के अंदर 16 TB तक का आप हर एक डेटाबेस यूज कर सकते थे। इसके बाद आता है एक्सचेंज सर्वर 2000। अब देखिए दोस्तों, एक्सचेंज सर्वर 2000 को हम लोग एक्सचेंज प्लेटिनम के नाम से भी जानते हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं कि एक्सचेंज सर्वर में कौन कौन से फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, ये आप यहां पर देख सकते हो। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सचेंज सर्वर 2000 को अपग्रेड किया और मार्केट में इंट्रोड्यूस किया एक्सचेंज सर्वर 2003। जिस तरह एक्सचेंज सर्वर 2000 का कोड नेम था प्लेटिनम, लेकिन एक्सचेंज सर्वर 2003 का कोड नेम जो था वो था टाइटेनियम, और उसमें क्या-क्या न्यू फीचर इंट्रोड्यूस किए गए थे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा वो आप यहां पर रीड कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों, एक्सचेंज सर्वर 2003 को भी अपग्रेड किया गया और मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया एक्सचेंज सर्वर 2007। दोस्तों, एक्सचेंज सर्वर 2007 में पहली बार एंटी स्पैम इंट्रोड्यूस किया गया, एंटी वायरस, तो ये बहुत सारी चीजें यहां पर इंट्रोड्यूस की गई थी जो कि एक्सचेंज सर्वर 2003 और 2000 में अवेलेबल नहीं थी। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सचेंज सर्वर 2007 को भी अपग्रेड किया और मार्केट में इंट्रोड्यूस किया एक्सचेंज सर्वर 2010, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा रिलीज किया गया था 9 नवंबर 2009 को, ठीक है, जिसमें पहली बार डेग, बोले तो डेटाबेस अवेलेबिलिटी ग्रुप, कैश, आरपीसी क्लाइंट एक्सेस,
आर्काइव, ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस की गई। सेकंड थिंग दोस्तों, एक्सचेंज सर्वर 2010 ने इन्फो वर्ल्ड का बेस्ट मेल सर्वर जीता था। किस ईयर में? 2011 में। यानी कि एक्सचेंज सर्वर 2010 ने इन्फो वर्ल्ड का 2011 में बेस्ट मेल सर्वर अवार्ड भी जीता था। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सचेंज सर्वर 2010 को भी अपग्रेड किया और मार्केट में इंट्रोड्यूस किया एक्सचेंज सर्वर 2013। कब? 2 अप्रैल 2013 को। और इसमें क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड किए गए? ओवा के द्वारा आप ऑफलाइन एक्सेस कर सकते थे अपने ईमेल को, और पहली बार एक्सचेंज सर्वर 2013 में एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। बाकी आप यहां पर रीड भी कर सकते हैं कौन कौन से फीचर्स एक्सचेंज सर्वर 2013 में इंट्रोड्यूस किए गए थे मार्केट में या फिर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इसके बाद फिर एक्सचेंज सर्वर 2013 को भी अपग्रेड किया गया और मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया 15th मार्च 2016 को एक्सचेंज सर्वर 2016। ठीक है, ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया था। एक सेकेंड दोस्तों, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है। एक्सचेंज सर्वर 2013 वाज रिलीज, ठीक है, एक्सचेंज सर्वर 2016, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक था। तो एक्सचेंज सर्वर 2010 इंट्रोड्यूस किया गया था 9th नवंबर 2009 को। एक्सचेंज सर्वर 2013 जो है वो रिलीज किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 2 अप्रैल 2013 को, और एक्सचेंज सर्वर 2016 जो है वो रिलीज किया गया था मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 15th मार्च 2016 को। और उसके क्या-क्या फीचर्स थे, क्या क्या न्यू फीचर्स थे, वो आप यहां पर देख सकते हो। ये आप, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया एक्सचेंज सर्वर्स कब कब मार्केट में इंट्रोड्यूस किए गए थे, कौन कौन सा एक्सचेंज सर्वर किस डेट में किन किन फीचर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ये इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया।